महू एसडीएम अभिलाष मिश्रा ने आज महू के सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लापरवाही बरतने वालों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा चलाए जा रहे निजी क्लिनिक को भी सील करने के निर्देश दिए। महू सिविल अस्पताल में आज एसडीएम अभिलाष मिश्रा ने निरीक्षण किया। करीब 2 घंटे तक वे अस्पताल में रहे और विभिन्न विभागों के डॉक्टरों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने नेत्र रोग विभाग के डॉक्टर चंद्रशेखर बारगल के द्वारा चलाए जा रहे निजी क्लिनिक की भी जांच की और उसे सील करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला निजी क्लिनिक पर अपना चश्मा लेने पहुंची, जिस पर डॉक्टर ने महिला को पहचानने से इनकार कर दिया। एसडीएम के फटकार के बाद डॉक्टर ने महिला को 300 रुपए दिए, साथ ही एसडीएम ने भी अस्पताल प्रभारी से महिला को 500 रुपए दिलवाए। एसडीएम ने दुकान बंद होने के कारण महिला को बाजार से चश्मा बनवाने की सलाह दी। आज के विजिट में पता चला कि वो जो टेक्नीशियन हैं वो यहाँ पे लोगों का जांच करके अपने निजी क्लिनिक में डाइवर्ट करके वहाँ पे लोगों के चश्मा बनाते थे। तो कोई शासकीय सेवक इस तरीके से निजी क्लिनिक नहीं चला सकता, ना उनके पास कोई अनुमति है ना ही उनको अधिकार है चलाने का। और ये एक तरीके से अनैतिक भी है कि आप यहाँ के मरीजों को भेज के अपना निजी मुनाफा कमाएं। इसलिए इस कार्यक्रम में तत्काल उनको उनके क्लिनिक को सील कर दिया गया है और उनके लिए जाँच के आदेश दिए। चश्मे के लिए, चश्मा बनवाने के लिए कितने पैसे लिए आपसे? 300 रुपये। किस चीज़ के लिए हैं? चश्मे जांच कराने। मध्य भारत गया था? हाँ गए थे। वहाँ से क्या बोला? तो वहाँ पे ये डॉक्टर का एड्रेस दिया था, नहीं डॉक्टर को दिखाओ। ऐसा बोला मध्य भारत से कि डॉक्टर को दिखाओ। बहरहाल निरीक्षण के दौरान एसडीएम के सख्त रवैये से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। एसडीएम ने स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने के अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज, महू।